For more videos, please subscribe. पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले पंतप्रधान नाम से जाने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। उनका जन्मदिन बाल दिन के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। नेहरू जी को बच्चों से बड़ा स्नेह था। वो बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे। बच्चों को भी उनसे बेहद लगाव था। वे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी 13 वर्ष की उम्र तक घर पर रहकर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 1907 में नेहरू जी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज गए और वहां से 1910 में उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान की डिग्री प्राप्त की। अपनी डिग्री पूर्ण करने के बाद नेहरू जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की। पंडित नेहरू शुरू से ही गांधी जी से प्रभावित रहे। 1912 में उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया। भारतीय राजनीति में वे महान नेताओं में से एक थे। उसके साथ साथ वह एक महान लेखक और वक्ता भी थे। नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, इस प्रकार के अनेक आंदोलन में उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ भाग लिया। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अपने पूरे जीवन काल में देश की सेवा करने की वजह से उनको बहुत बार जेल जाना पड़ा। भारत देश के आज़ादी के लिए उन्होंने अनेक माध्यमों से अंग्रेजों से लड़ाई की। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और पंडित नेहरू जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। प्रधानमंत्री होने के बाद भी उन्होंने देश सेवा के लिए मेहनत की। उन्होंने भारत देश को आराम हराम है का नारा दिया। पंडित नेहरू जी का मानना था कि देश का भविष्य देश के बच्चों पर निर्भर करता है, इसलिए उनके जन्मदिन पर बाल दिन मनाया जाता है ताकि बच्चों की सेहत, मानसिक विकास, शिक्षा आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसीलिए बाल दिन स्कूल और कॉलेजों में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। गायन, नृत्य, वादन जैसी प्रतियोगिताएं रखी जाती है। देश की सेवा करते हुए 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ। देश की स्वतंत्रता और विकास के उनके कई काम आज भी हिंदुस्तान याद रखता है।